8 जुलाई वेडनेसडे का न्यूज़पेपर। पहली खबर है जयराम रमेश अर्जिस, इन्होंने कहा है वेंकैया नायडू जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको पैनल मीट करने के लिए ऑनलाइन। और ब्राज़ील जो प्रेसिडेंट है जोयर बोल्सोनारो, उनको COVID-19 पॉजिटिव हुए हैं वो। और USA सोच रहा है चाइनीज़ ऐप को बैन करने के लिए जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का जो टेस्ट मैच स्टार्ट हुए हैं उसमें इंग्लैंड वो हुआ है आगे। और आगे की इसमें खबर देखते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज़ है इसमें, न्यू पार्लियामेंट शुड बी विजिबल फ्रॉम रोड्स। ये कहा है दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन ने, जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है। और नेक्स्ट है खबर, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को ऑर्डर दिया है, पूछा है कि जो जर्नलिस्ट थे पद्मश्री अवार्ड भी थे वो, विनोद दुआ के केस में पूछा है कि उनके रिकॉर्डिंग जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करने के लिए कहा है। और दिल्ली के जो अब केसेस हैं 1,02,000 अराउंड हैं और 74,000 रिकवर हो चुके हैं, 25,000 फिलहाल एक्टिव हैं। और इसमें देखते हैं हम आगे क्या न्यूज़ है। आर्मी जो है वो 1.5 किलोमीटर पीछे हो रही है। और ये पॉइंट 14 जो है गलवान वैली में, जो कि अब तक पेट्रोल जो थी अब वहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं हो पाएगी। और इसमें और कोई खास खबर देखते हैं हम। ये सैटेलाइट का इमेजेस है जिसमें दिखा रखा है कि पीछे हो रही है आर्मी। और इसमें दिखा रखा है ये पॉइंट 14 एरिया में रहेगा, पीछे हो जाएंगे। और ये काफ़ी कमांडर लेवल टॉक्स के बाद हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर जो 30 जो है वो रहेंगे पीपल इस साइड रहेंगे के, और के 3.6-4 किलोमीटर की रेंज में, उसके बाद और इससे मतलब इस ये एक बफर जोन रहेगा अब। और इस तरीके की इसमें खबर है, थोड़ा सा अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट में इसमें न्यूज़ देखते हैं इसमें, सेंटर टू ले डाउन, छोड़ देना या थोड़ा सा मतलब थोड़ा छूट देना वैक्सीन के लिए, ट्रायल के लिए ये किया गया है। और अभी इंडिया के पास लगभग 5 ऐसी वैक्सीन हैं जो रेस में है, भारत बायोटेक की तरफ से है और एक जाइडस कैडिला की तरफ से है। और गाइडेंस जो है कैसे ये करना है उसके लिए गाइडेंस डॉक्यूमेंट वो हो गए हैं, इशू हो गए हैं। और ये ऐसा किया गया ताकि ये इसको एक्सेलरेट किया जा सके, स्पीड बढ़ाई जा सके जो भी होगा उसका। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं जो पिछले 24 आवर में केस कितने आए हैं ये देख लो आप, ठीक है, ये है डेटा। इसके बाद CBSE ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है 9th to 12th क्लास के लिए। और जो HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशांक जी, उन्होंने ये मतलब उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये हुआ है। और मतलब और ये कहा गया इसमें कि टॉपिक्स हैव बीन रिड्यूस आर ऑल्सो एक्सप्लेन्ड, मतलब ये जो रिड्यूस किया गया है टॉपिक्स वो समझाए भी जा सकते हैं बच्चों को ताकि और टॉपिक्स उन्हें समझ आए। लेकिन ये इंटरनल असेसमेंट और बोर्ड एग्ज़ाम में काउंट नहीं होंगे ये जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। और एकेडमिक कैलेंडर को भी 1 to 12 जो है वो थोड़ा सा CBSE और NCERT कर रहे हैं, NCERT वो कर रहा है, अरेंजमेंट कर रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, एक बड़ा बदलाव हुआ है कि जो एक गोल्डन बटरफ्लाई है वो उसके जिसके पंख सबसे बड़े होते हैं वो, उसके बाद अब वो ये जो खिताब एक तरह से ये गोल्डन बटरफ्लाई को चला गया है, ये हिमालयन बटरफ्लाई है गोल्डन बर्ड विंग इसके पास चला गया है। इससे पहले ये कोई और तितली थी या बटरफ्लाई थी, आई थिंक दैट ब्रिगेडियर ये कौन सी थी, ये रहा गोल्डन बर्ड विंग बट द मेल गोल्ड, नहीं ये नहीं, एक दूसरा नाम था इसमें मैंने पढ़ा था, उसके पास था पहले खिताब, उसके पंख ज़्यादा थे, इसके अब उसके 190 है मेरे ख्याल में, इसके 194 mm है, ठीक है। नाउ अगली है इसमें न्यूज़, ये तो खैर हॉस्पिटल की है जिसमें एम्स ट्रॉमा सेंटर से एक लेडी का वो हुआ, डेथ हुई तो उसके बाद उसका जो डेड बॉडी बदल गई। तो इसके बाद है हाई कोर्ट ऑर्डर्स प्रोब अगेंस्ट डॉक्टर फॉर फेक पेपर्स। एक डॉक्टर हैं जो फेक सर्टिफिकेट्स बनाते थे लोगों के बेल के लिए, उनको अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है उनके अगेंस्ट वो करने के लिए, जांच करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है पिंजरा तोड़, ये तो खैर इसमें मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ, इंग्लिश की बता देता हूँ। पोग्रोम का मतलब होता है सामूहिक हत्या मिलकर जब करते हैं, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है उत्पीड़न, और बदला वेंडेटा का मतलब होता है झगड़ा या बदला लेना, ठीक है। और वेसिफेरसली का मतलब होता है शोरगुल के साथ, और इम्पीड का मतलब होता है रोकना, ठीक है। एक दुआ केस के बारे में दोबारा बताया गया है कि ये विनोद दुआ जो थे ये जर्नलिस्ट थे, इनका कोई शो आता है, और इसमें मैं इंग्लिश की हिंदी बता दूं यहाँ पर, ये इसका मतलब है चाल, और
ये यूट्यूब पे इनका शो आता था 30 मार्च को जो वो हुआ था, स्ट्रीम हुआ था, तो उनमें उन्होंने ब्लेम किया था कुछ गवर्नमेंट के प्रिपेयर्डनेस पे, तैयारी पर, तो उसके बाद इन पे FIR है। तो हाई कोर्ट ने यही कहा है, किसने, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें इतना लेट क्यों हुआ, तो पुलिस से भी जवाब मांगा है, तो इस तरह से है। नेक्स्ट इसमें न्यूज़ है, प्रिजनर्स जो है अपने लॉयर से बात कर सकते हैं बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ये दिल्ली हाई कोर्ट को बताया गया, जो प्रिजन अथॉरिटीज हैं उन्होंने बताया, जेल की जो अधिकारी होते हैं उन्होंने बताया ये। नेक्स्ट इसमें न्यूज़ है, टेक 5 कंटेनमेंट, ये कह रही है दूसरी है, इसके बाद आगे की देखते हैं। इसमें नेक्स्ट न्यूज़ है, हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर देख लो आप, और दिल्ली की हवा भी देख लो, सेटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेट चल रही है, कल सेटिस्फैक्ट्री थी, ग्रीन में थी। और UGC हैज़ शोन इट डजन केयर अबाउट आवर वेलबींग, स्टूडेंट्स ने कहा, बच्चों ने कहा है कि UGC ने दिखा दिया कि वो हमारी केयर नहीं करता। अगला है ये रीइंस्टेट ECA कोटा, जो ECA कोटा जिसमें 14 कैटेगरीज आती हैं, जो एक तरह से कोटा मिलता था 15% की ग्रेस मार्क्स मिलती है इसमें, ये हटा दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। तो उसके लिए जो दो आर्टिस्ट हैं उन्होंने प्रेजिडेंट जो है मिस्टर रामनाथ कोविंद जी हमारे, उनको भी लिखा है कि भाई ये दोबारा चालू कर दिया जाए, क्योंकि अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा दे रहा है वो NCC NSS और उसको दे रहा है स्पोर्ट्स को, ये जो ECA कोटा मिलता था एक्स्ट्रा करिकुलर कोकरिकुलर एक्टिविटीज़, इसको नहीं दे रहा वो। तो खैर नेक्स्ट है कि NDMC के जो 7500 टीचर्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे क्लासरूम तो चल नहीं रहे हैं तो कैसे बच्चों को इंक्लूड करना है, क्या क्या बच्चे जो डिसेबल बच्चे हैं या फिर जो वैसे बच्चे हैं मतलब जिनके अंदर कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनको कैसे इंक्लूड करें, इंक्लूसिव क्लासरूम बनाएं, और कैसे इस तरीके को इसको एक्स्ट्रा वो करें, ठीक है। नेक्स्ट है JNU के वाइस चांसलर जो हैं M जगदेश कुमार, उन्होंने जो है वेलकम किया है एग्ज़ाम नॉर्म्स को, जो भी है देखो आप इसमें UGC ने जो भी अपना जो नॉर्म्स बताए हैं सेप्टेम्बर के एंड तक एग्ज़ाम हो सकता है, तो उसको उन्होंने उसका वेलकम किया और कहा है बहुत अच्छा ये डिसीजन है UGC का। और दिल्ली गेट रिस्पाइट एज द एक्टिव केसेस, दिल्ली में COVID-19 केस गिर गए हैं, तो दिल्ली ने विराम किया है आराम, ये रिस्पाइट का मतलब होता है आराम या विराम अवकाश एक तरह से। नेक्स्ट इसमें न्यूज़ है हमारी, ऑल PDS कार्ड होल्डर्स जिनके पास PDS कार्ड है, राशन कार्ड है, उन्हें नवंबर तक, ये लिखा हुआ है देखो आप क्या लिखा हुआ है, टिल नवंबर ये उनको मिलेगा PDS गेट फ्री राशन, ठीक है। ये आप देखो ये जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी जी ने 30 जून को अनाउंस किया था कि उसके थ्रू भी मिलेगा, और दिल्ली में भी PDS जो कवर्ड होता है उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि इसमें जो लगभग 17.454 लाख हाउस होल्ड से वो रेशन मिलता था उनको, तो ये इस तरह से है आर्टिकल जिसमें आप देख सकते हो अगर आपको आपके काम का है तो। नेक्स्ट है जो अगेंस्ट हाइक, ये पंजाब का है कि वहाँ जो अपोजिशन ने गवर्नमेंट को फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के लिए ब्लेम किया है, और जो अपोजिट इसमें रीबेल कुछ रीबेल लीडर्स हैं श्रोमणी अकाली दल के, उन्होंने अपना प्रेसिडेंट जो है सुखदेव सिंह ढींगड़ा जी को चुन लिया है श्रोमणी अकाली दल का, तो रीबेल थे। और इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कांग्रेस फ्लेज DF DR फ्रीज, छोड़ो नेक्स्ट देखते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन जो है 50% से गिर गया है, कहाँ की न्यूज़ है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, और ऑनलाइन डिलीवरी अवेलेबल करा दी थी बियर की अल्कोहल की, तब भी काफ़ी जो है गिर गया है, और उम्मीद की जा रही है, देखो कितना है डेटा देख लो आप अगर देखना है तो, इसमें लिखा हुआ है डेटा ये लॉकडाउन वाज अनाउंस इन मार्च द स्टेट हैज़ लॉस 7000 करोड़ रेवेन्यू, इससे पहले क्या हो कितना हुआ है, द स्टेट हैज़ रिसीव्ड ओनली 2400 करोड़ इन रेवेन्यू टिल नाउ सिंस द सेल ऑफ अल्कोहल बिगेन। देखो इस 2400 करोड़ जब से 4 मई से केवल 2400 करोड़ हुआ है, और 7000 करोड़ का मतलब लॉस है, लगभग लगा लो आप कितना होता होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें कोई काम की खबर इस पेज पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एडिटोरियल पेज पे देखते हैं, काफ़ी काम की खबर है, डेज ऑफ डिसइंगेजमेंट, देखो इसमें लिखा हुआ है एज इंडिया एंड चाइना डिसइंगेज मिलिट्री दे मस्ट स्लोली सीक टू रिबिल्ड ट्रस्ट इन टाइज, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इसमें लिखा हुआ है कि स्टैंड ऑफ तो हुआ, 2 महीने चला,
लेकिन अब ख़त्म हो रहा है तो वेलकम रिलीफ है, बट ये ध्यान रखना चाहिए, इट मस्ट बी टेम्पर्ड बाय क्वेश्चन कि प्लान टू डू एस्केलेट द ट्रूप्स एंड टेंशन आर क्लियर, क्योंकि कॉन्वर्सेशन जो हुई है अभी तो ऐसा ही तो हुआ था पहले भी कि हो रहा है डिसएंगेज और बाद में फिर हमारे जो सोल्जर्स के साथ क्या हुआ। तो वाइल द स्टेटमेंट्स मेड इन दिल्ली इन ये सही हैं दोनों में, लेकिन आइडेंटिकल है लेकिन सहमति अलग अलग है। और ये हो सकता है कि देखो हमें क्या करना चाहिए, इसमें पहले पूरा लिखा हुआ है कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन उसके बाद लिखा हुआ है कि हमें डिसएंगेजमेंट एंड डिस्कलेशन मस्ट बी अकंपनीड बाय डिफाइंड एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स भी डिफाइन होने चाहिए बाद में और आगे क्या क्या होगा, और ये बफर जोन अगर होगा या पेट्रोलिंग फ्री पीरियड होगा तो रीजंस फॉर द डिसीजन ये भी होना चाहिए, स्टेटस क्यो एंटे भी होना चाहिए, और सबसे मेन बात ये भी हमें देखना चाहिए इसमें, देखो लिखा हुआ है कि जो चाइना है, चाइना अपना क्या कर रहा है, ये मतलब रिस्ट्रिक्शंस ये हो सकता है हमने जैसे इंडिया ने जो मीजर्स लिए, तो चाइना जो डायरेक्ट वो कर रहा है क्या बोलते हैं उसको, चाइना का जो अग्रेशन है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए फ्यूचर में ऐसा ना हो, ठीक है, क्योंकि मतलब हमें थोड़ा ट्रस्ट भी बना के चलना चाहिए। और इस आर्टिकल में थोड़ा सा यही लिखा है, दूसरा ये जो आर्टिकल है ना ये वाला, इसमें देखना ये नहीं, हाँ ये इस वाले में, ये भी इसी से रिलेटेड है, और इसमें आप देखो इसमें इन्हें बताया कि किस तरह से पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है अपने वो बढ़ा रहा है। अब उसके पास कितने हैं, लगभग 290 जो उसके पास 290 वो हैं न्यूक्लियर आर्सेनल हैं, तो और जबकि इंडिया के पास कितने हैं, इंडिया के आप देखो एक मिनट को इसमें मैं दिखाता हूँ इंडिया के आपको कितने हैं, इंडिया के लगभग 150 हैं, ठीक है 150, और ये रहा इंडिया के 150 हैं, चाहे पाकिस्तान के 160 हैं, और ग्लोबल टाइम्स जो माउथपीस है चाइना का न्यूज़पेपर मतलब स्टेट मीडिया है उसने कहा है कि 1000 हम न्यूक्लियर के बनाने के उनके उसमें है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो आप ये देखो कि ये डिसइंगेज तो हो रहे हैं लेकिन हमें इनके लिए तैयारी भी रखनी चाहिए, क्योंकि ये इनका कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि प्रेजेंट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर इंडियन डिसीजन मेकर्स, इसमें पूरे आर्टिकल में यही बात कही गई है कि हमें अपनी उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए आर्मी को भी और सबको, और जिस तरीके से चाइना एक थ्रेट शो कर रहा है सबको उसका भी एक मतलब कोई हमें सॉल्यूशन रखना चाहिए। और बाकी आप इसमें देखो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्जन क्या मतलब, वो बलपूर्वक कुछ, कोर्जन का मतलब क्या होता है, बलपूर्वक क्या करता है चाइना जो है अपने आगे वो करता है, तो अभी इसका पता नहीं है कि उसकी क्या रणनीति आगे हो सकती है, तो हमें सभी डायमेंशंस पर सोचना पड़ेगा। शिनजियांग रीजन में भी वो काफ़ी जो है गतिविधि बढ़ा रहा है और काफ़ी चीज़ों को वो, ये देखो आप ये देखो, कोल्ला इन शिनजियांग इज़ बिलीव टू होस्ट DF-26 IRBM क्या है, IRBM होता है वो मिसाइल का कुछ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये अपना जो है वहाँ पर कन्वेंशनल और ये काफ़ी ये मतलब बढ़ा रहा है उसको एक्टिविटीज़ को भी, तो उसको भी हमें देखकर चलना चाहिए, मतलब आगे के लिए वो बनाना चाहिए। तो हमें ये वट एवर द आउटकम ऑफ द करंट क्राइसिस जो भी हो, न्यू दिल्ली को स्टार्ट करना चाहिए सीरियसली असेसिंग इट्स एक्सटर्नल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एंड रीडबल एफर्ट्स टू गेट द रोबस्ट स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी फॉर डिटरेंस, मतलब जो ये प्रॉब्लम है उसके निवारण के लिए हमें एक रोबस्ट एक मजबूत वो भी बनाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें एडिटोरियल में देखो ये वाला है लेट एंट्रेंट, नेक्स्ट है लेट एंट्रेंट मतलब देर से आने वाला, लेकिन काइने वर्स्ट जो कैनी वेस्ट है माइट बी नॉट सीरियस अबाउट हिज बिड बट हिज कैंडिडेचर विल हैव एन इम्पैक्ट, ये कौन है, ये एक हिप हॉप जो स्टार हैं USA में और रैपर भी हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा है, ये US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होने के लिए इन्होंने बोला है डिसाइड अपने ट्विटर पे क्या है। अब ये जो इन्होंने पहले भी कहा था 2015 की MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड में कि भाई मैं खड़ा होऊंगा 2020 इलेक्शन में, लेकिन नवंबर में 2019 में इन्होंने ये 24 के बारे में बोला, तो इस तरीके से अब इनका कुछ समझ नहीं आ रहा लोगों को, जबकि इलॉन मस्क ने भी इनको कहा है कि मेरा फुल सपोर्ट है आपके लिए। अब ऐसा समझ नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है USA में कि अब जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं लोग हैं उनको ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है लोगों को क्रेज़ हो रहा है उनका, या फिर मूवी स्टार हो गए जैसे रोनाल्ड रेगन जो हुए थे, तो वो भी काफ़ी मतलब ऐसा भी हो सकता है, अभी कुछ पता नहीं है कि जीरो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस वाले लोग क्या होगा। तो टू आर इंटरप्रिटेशन ऑफ द ओड, इसके दो मतलब निकाले जा रहे हैं पॉलिटिकल, या तो एक ये हो सकता है कि वो बाद में जो है डोनाल्ड ट्रंप को वो दे दें सपोर्ट कर दें, या फिर दूसरा भी इसमें हो सकता है कि, तो इसमें यही सब लिखा हुआ है तो अभी कुछ कह नहीं सकते क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल देखो आप, पुलिस ट्रेन एंड थिएटर ऑफ लॉ, देखो अगर एक डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी होती है उसे अगर डेमोक्रेटिक जगह जो फीचर है उसको साथ में रखना है, तो जो ये है ना क्रिमिनल को पॉलिटिक्स को और पुलिस सिस्टम को, इन सबको एक साथ नहीं मतलब इन सबको अलग अलग
रहकर अपना जो है मतलब क्रिमिनल्स को, क्रिमिनली जो होता है ना, मतलब उसको अपने पॉलिटिक्स में नहीं लाना है और ना ही पुलिस के ऊपर वो देना है, तभी वरना अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि देखो इसमें लिखा हुआ है, जैसे पहले मैं वेंटन का मतलब बता दूँ, इसमें मैं इंग्लिश थोड़ी सी क्लियर कर दूँ। वेंटन का मतलब होता है संगठन, और वेंटन का मतलब होता है निर्दया पूर्ण या फिजूल खर्च, और थर्ड है एपरेटस, एपरेटस का मतलब होता है संगठन, और फोर हिंसात्मक व्यवहार, फोर पॉइंट पे है ये रैम्पेजिंग, और एम्ब्रेस्ड फाइव नंबर पे अंग समाविष्ट करना, इंक्लूड करना है ना, रैम्पेज, रैम्पेजिंग मतलब एम्ब्रेस मतलब शामिल करना, और रैम्पेज का मतलब है हिंसात्मक व्यवहार, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल में देखो पूरा यही दिया गया है कि अगर कानून को हम उसमें जोड़ देंगे, देखो अगर जैसे आपने ये सतन ये वाली खबर पढ़ी होगी अभी दो तीन दिन पहले जो आई थी सरन कुलम की, तमिलनाडु में जो बाप बेटे को जो पुलिस कस्टडी में जिनकी वो हुई, तो आपको अगर उसमें पता होगा कि किस तरीके से उन्हें मतलब कस्टडी में भेज दिया, उनकी चोट नहीं देखी गई और पुलिस ने जैसे किया और क्या हुआ। तो अगर हम इसको पुलिस को क्या करना चाहिए, अपना जो है कमिटेड ऑफिसर्स, ऐसा नहीं है कि पुलिस में सभी कमिटेड पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, जैसे कॉन्स्टेबल जो है रेवाती एक हैं वो ओवर टाइम करती हैं, तो ये ऐसा नहीं है। लेकिन अभी करना क्या चाहिए, सबको एक साथ मिलकर मतलब जो है पूरा पुलिस की इमेज ठीक करने के लिए पुलिस को अपना जो है, इसमें देखो एंड में इन्होंने सॉल्यूशन भी दिया है कि भाई जो ये है कि वी आर ऑल कंडेम टू लिव इन अ लोकल ट्राइम, ये और हाउ मेनी मोर लिव मस्ट वी लूज बिफोर इट्स कोरोसिव इम्पैक्ट ऑफ आवर पुलिस कलेक्टिव लाइफ, मतलब हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जिसमें सब कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास कोई खबर नहीं, इसमें नहीं है, टॉप प्रायोरिटी ये वर्ल्ड की है, वर्ल्ड की आ जाएगी। नेक्स्ट है देखो, इसमें आप रुपये डॉलर देख लो, सेंसेक्स 36,000 चल रहा है, डॉलर 74.93, गोल्ड चल रहा है 49,000 अराउंड, और नेक्स्ट खबर देख लो, ये देख लो कितना चल रहा है डॉलर, यूरो, पाउंड और जैपनीज येन लगभग सब 70 के ऊपर है, और चाइनीज़ युआन 10 है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो ये ICICI जो है अपने इम्प्लॉइज़ को 8% रेज दे रहा है, जो 80% इम्प्लॉई ने पेंडेमिक के टाइम पर या लॉकडाउन के टाइम पर काम किया है, और एक्सटेंड इंश्योरेंस ये वैलिड की बेकार है खबर, और गवर्नमेंट ने एसेंशियल कम्युनिटी से हटा दिया है सैनिटाइज़र को और फेस मास्क को, क्योंकि अब उनकी सप्लाई प्रॉपरली हो चुकी है, और ACC जो है वो अपना काम चालू रखेगा जो सीमेंट बनाती कंपनी, और इसमें खबर देखते हैं जो इंडोनेशिया है वो 10% वेट लगाएगा नेटफ्लिक्स पर, गूगल पर, अमेजोन प्राइम, जो भी उनका वेब सर्विसेज चलती हैं, जो भी देती हैं वेब सर्विसेज, तो गूगल की है या किसी की भी है, उस पर 10% वेट लगाएगा, ठीक है। और जो TVS मोटर के CMD हैं वेणु श्रीनिवासन, उन्होंने कहा है कि हमारे फर्स्ट क्वार्टर में सेल कम हुई है, लेकिन मानसून अगर अच्छा रहा, रबी की फसल अच्छी रही तो सब कुछ सही रहा, तो सेमी अर्बन और रूरल एरिया में सेल बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सेंटर वोन एक्सटेंड गाइड, ये छोड़ो, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये इसमें वर्ल्ड में देखो, वर्ल्ड में देख लो आप, ब्रिटिश PM ने अपने जो होम केयर में जो COVID-19 को ठीक कर रहे थे लोग, तो उनको वो कहा है कि काफ़ी उनकी डेथ हुई है ना लोगों की, तो उन्होंने ये कह दिया कि होम केयर ठीक से नहीं हो रही या फिर प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे, तो उस पर उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, और जेयर बोल्सोनारो का तो पता ही आपको पॉजिटिव आए हैं। और बस नेक्स्ट देखो आप, इसमें नेक्स्ट इसमें अब ये है कि देखो क्रिकेट का जो है, क्रिकेट काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जो होगा फील्ड पे कोई नहीं होगा लेकिन उसमें रहेंगे, और ये इसमें एक वर्ड देखो फॉर्चुटस आकस्मिक यानी भाग्यशाली, इसका मतलब होता है, और एक है इनविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य या निश्चित, जो होना ही है। और इन्होंने कहा है कि देखो हमारा जो क्रिकेट है उसमें जो वेस्ट इंडीज़ वाले हैं और इंग्लैंड वाले हैं, ये दोनों ही टीम जो है ब्लैक लिव्स मैटर, ये जो हैशटैग चला था ना ब्लैक लिव्स मैटर, तो उनके ऊपर उनको भी ये अपनी टी शर्ट पर होगा या फिर सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये काफ़ी मतलब रेसिज्म को भी वो करेंगे, और
जो है दोबारा से स्टार्ट होगा क्रिकेट, तो लोगों की लाइफ में दोबारा से जॉय आएगा, और ये सब उन्होंने मिक्स करके इस आर्टिकल में लिखा है। ठीक है,